अयोध्या की संवेदनशीलता और बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन भी मुस्तैद है। आरपीएफ, जीआरपी और जनशक्ति की संयुक्त टीम बनाकर आने जाने वाली ट्रेनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ सोनू कुमार सिंह ने बताया कि अयोध्या शुरू से ही धार्मिक नगरी रही है और इस वक्त अयोध्या का विकास काफ़ी तेजी से हो रहा है और सावन मास भी चल रहा है। अयोध्या कैंट और अयोध्या रेलवे स्टेशन में काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जिसको देखकर एक संयुक्त टीम द्वारा ट्रेन में चेकिंग की जा रही है, जिससे यात्रियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो पाए, उसका भी ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्लेटफॉर्म को चेक किया जा रहा है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, खिड़की खोलकर मोबाइल ना चलाएं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यात्रियों को बताया गया कि साफ सफाई का ध्यान रखें और ट्रेन व स्टेशन को गंदा ना करें। संयुक्त टीम ने जीआरपी उप निरीक्षक प्रभारी सूर्य प्रताप शुक्ला, उप निरीक्षक अभिषेक शुक्ला, कांस्टेबल प्रवीण दीक्षित, रविंद्र यादव, मुकेश सिंह, अनुराग गौतम, महिला कांस्टेबल पिंकी साहनी, दीपा यादव मौजूद रहे। अयोध्या तो शुरू से एक धार्मिक नगरी रही है और वर्तमान समय में इसका विकास भी काफ़ी जोरों पर है। सावन मास में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या कैंट और जंक्शन स्टेशन पर आते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए आरपीएफ और जीआरपी में अतिरिक्त जनशक्ति बुलाई गई है, जिनके द्वारा सभी ट्रेनों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी की जा रही है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हम लोग जो है राउंड द क्लॉक जो है चेकिंग कर रहे हैं स्टेशन की और आने जाने वाली ट्रेनों को भी चेकिंग की जा रही है। कोई भी संदिग्ध अभी तक तो नहीं मिला है, प्रकाश में नहीं आया है। अगर कोई ऐसा अगर आएगा तो अवगत कराया जाएगा। मैं निरीक्षक आरपीएफ अयोध्या कैंट सोनू कुमार सिंह।